ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। माथे पर त्रिपुंड और हाथ में त्रिशूल, कर्मभूमि काशी में प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की ये तस्वीरें 2024 की सरगर्मी में बड़ा संदेश दे गई और इसी तरह का मैसेज काशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ में पीएम मोदी ने दिया, जब आजमगढ़ को आजन्मगढ़ के नाम से संबोधित किया। ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। संदेश और समीकरण से साफ है कि 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी के पूर्वांचल वाले पावर सेंटर में पीएम मोदी टॉप गियर लगा चुके हैं। 24 का बिगुल बजने से एन पहले काशी के बाद उस लोकसभा सीट को चुना जिसे पूर्वांचल में सैफई परिवार का गढ़ कहा जाता है। यादव मुस्लिम यानी MY कॉम्बिनेशन वाली सीट को 2014 और 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी। उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बीजेपी का परचम लहराया, इसलिए टफ सीटों में से एक आजमगढ़ के टास्क को पीएम मोदी ने अपने हाथों में लिया। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। सुपर सॉलिड जोड़ी मोदी योगी का नाम और काम प्लस जातीय समीकरण, बीजेपी ने इसके सहारे बड़ी बिसात बिछाई है। बेसोट ओबीसी के साथ साथ दलित वोट बैंक में विस्तार करना चाहती है, इसलिए मंडल कमंडल की रणनीति साथ साथ चल रही है। 26 से ज्यादा जिलों वाले पूर्वांचल में जातीय समीकरण बाकी रीजन से काफी दिलचस्प और हैवीवेट है। पूर्वांचल में दलित समाज की आबादी 21%, मुस्लिम 16%, ब्राह्मण 9%, यादव 14%, राजपूत 6%, निषाद 3-4%, राजभर 3-4%, कुर्मी 4-5%, कोरी 4% की हिस्सेदारी रखते हैं। पीडीए के सहारे अखिलेश पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं तो राहुल गांधी कास्ट सेंसस को तुरुप का इक्का मानकर चल रहे हैं। इसी रणनीति को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री मोदी को इस अखाड़े में उतारा। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे, कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35-35 साल पहले घोषणा हुई, कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यूपी के जिन इलाकों में बदहाली की तस्वीरें कभी सुर्खियां बन जाया करती थी, वहां विकासवाद की उड़ान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विकासवाद पर बीजेपी ने पूर्वांचल में बड़ी विसात बिछा दी। इसी पूर्वांचल में बीजेपी के सबसे ज्यादा सहयोगियों का अखाड़ा भी है। 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी 25 पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है, जबकि अनुप्रिया पटेल के अपना दल को मिर्जापुर सोनभद्र जैसी 2 लोकसभा सीटें, यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी जैसे दलों को 1-1 सीटें मिली हैं। आजमगढ़ में शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें उसी रणनीति का शंखनाद है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वो आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। पूर्वांचल में ही मोदी की काशी,
योगी का गोरखपुर जैसा अवैध किला है तो गाजीपुर, लालगंज और आजमगढ़ जैसे चैलेंजिंग गढ़ भी हैं। 21 जिलों में 26 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें 130 विधानसभा सीटें कवर होती हैं और हर सीट पर जातियों के अपने समीकरण हैं, जो खेल बनाने, खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं। पिछले साल सितंबर में इसी पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लगा था। चर्चित सीटों में से एक घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प हो गई। काम हुआ है यहाँ कमल खिलने के बाद, इस बात से आजमगढ़ की जनता भी खुश है और इसलिए जनता ने हमें फिर से मांग लिया और पार्टी ने हमको यहाँ भेज दिया। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। मोदी युग में बीजेपी को जिस स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, उसे मोदी योगी की मौजूदगी के चलते पूर्वांचल में ही मिला। देश को 5-5 प्रधानमंत्री देने वाला पूर्वांचल ही सियासी हवाओं का रुख तय करता है, तो क्या 80 में 80 का प्लान बीजेपी ने यहां सेट कर दिया? टीम न्यूज नेशन। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। माथे पर त्रिपुंड और हाथ में त्रिशूल, कर्मभूमि काशी में प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की ये तस्वीरें 2024 की सरगर्मी में बड़ा संदेश दे गई और इसी तरह का मैसेज काशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ में पीएम मोदी ने दिया, जब आजमगढ़ को आजन्मगढ़ के नाम से संबोधित किया। ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़